हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भिक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, UP SSC लेटेस्ट न्यूज़ टुडे बिग ब्रेकिंग अपडेट। जी हाँ फ्रेंड्स, बिग ब्रेकिंग अपडेट। और ये अपडेट मैं आपको 3 बजे देने वाला था, बट फ्रेंड्स टाइम नहीं मिल पाया, इस कारण से लेट हो गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको 7 बजे तक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अपडेट है, कुछ एग्ज़ाम डेट को लेकर के, कुछ रिजल्ट को लेकर के और एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर के। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम कैलेंडर 10 अप्रैल तक आ जाएगा, बट फिर भी जैसे कि यहाँ भी आप लोग थोड़ा सा अलग बोल रहे थे, जैसे बहुत से यूट्यूबर्स आपसे बोल रहे थे कि 25 मार्च तक जो है एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 25 मार्च आज बीत चुका लगभग, ठीक। अभी तो टाइम अगर आना होता तो, लेकिन आएगा नहीं वैसे, क्योंकि जानते UP SSC 7-8 बजे भी नोटिस देता है, अभी टाइम है। बट आज कोई नोटिस नहीं आने वाला है, फिर से मैं कंफर्म कर दूं, मैं आपको बताया 10 अप्रैल तक। और क्यों नोटिस नहीं आएगा ये भी बताता हूं। 25 मार्च वाली बात में थोड़ी सच्चाई भी है कि क्यों 25 मार्च की बात की जा रही थी। सचिव ने बोला था 25 मार्च को नोटिस, मतलब एग्ज़ाम कैलेंडर देने के लिए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है ये थोड़ा समझ लीजिए। प्रॉब्लम ये हुआ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम, जिसकी वजह से आप जाने जे एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया है। और यही कारण था मैं लगातार आपसे कह रहा था फ्रेंड्स, जे एग्ज़ाम भी 3 अप्रैल को नहीं होगा। और इसी कारण की वजह से मैं आपसे ये भी कह रहा था कि कैलेंडर भी 25 मार्च तक नहीं आएगा, 10 अप्रैल तक आएगा, क्योंकि इन्हें कैलेंडर चेंज करना होगा। तो वही कारण है फ्रेंड्स, अभी लोग कैलेंडर चेंज करेंगे, उसके बाद आपको कैलेंडर देंगे। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या है, जैसे कि दो बातें बोली जा रही थी लगातार कि ईयर वाइज हम एग्ज़ाम कराएंगे, पहले पहले जो जैसे नोटिफिकेशन आए वैसे वैसे एग्ज़ाम कराएंगे, और दूसरा जो जो एग्ज़ाम आके पोस्टपोन होंगे उन्हें पहले कराएंगे। तो आप देख रहे हैं JEE तुरंत पोस्टपोन हुआ, तुरंत नया डेट दे दिया गया, 3 अप्रैल को होने वाला था, अब 16 अप्रैल को होने जा रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं, ऑफिशियल है एकदम, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम डेट को लेकर अभी आप लोग को कन्फर्मेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ यहाँ पर क्या चलने वाला है, जैसे जैसे मतलब यही बात फॉलो होने वाला है कि जैसे जैसे जो नोटिस आया था एग्ज़ाम डेट का, पहले पहले वही एग्ज़ाम कराए जाएंगे। अभी अब कुछ नया फॉल फैलाया जा रहा है कि लेखपाल एग्ज़ाम सबसे पहले कराया जाएगा, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। लेखपाल एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाला है, मैं आपको बता चुका हूँ, मैं भी बताऊँगा लेखपाल एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले जैसे आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड आके टला है, कंबाइंड टेक्निकल एग्ज़ाम आके टला है, और आपका ANM आके टला है। तो ये तीनों एग्ज़ाम जो है, इनमें से कोई दो एग्ज़ाम जो है आपका मई में हो सकता है। अप्रैल में मेरे ख्याल से एक ही एग्ज़ाम होगा, जो JEE का डेट आ चुका है 16 अप्रैल, मई में कोई दो एग्ज़ाम होंगे। अब दो एग्ज़ाम हमें लगता है सबसे पहले ANM का करा सकते हैं, फिर फॉरेस्ट गार्ड का करा सकते हैं, कंबाइंड टेक्निकल को ये रोक देंगे जून के लिए, और कोई एक एग्ज़ाम था शायद SO वगैरह, वो जून के लिए रोक देंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का सेंस यही है कि ये लोग एक महीने में दो एग्ज़ाम कराते हैं। नॉर्मली आप जानते हैं अप्रैल में केवल एक ही एग्ज़ाम करा पाएंगे, क्योंकि अप्रैल में जो 3 अप्रैल कराएं तो नहीं करा पा रहे हो, 16 अप्रैल को करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो आपका जो है मई में ANM और फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो सकता है, जून में कंबाइंड टेक्निकल, और कोई एग्ज़ाम पुराना जो टला था आके मुझे नहीं याद है, ठीक है, वो हो जाएगा। तो ये चार एग्ज़ाम हो गए। फिर आपका जो जुलाई में है फ्रेंड्स, वहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा वीडियो री एग्ज़ाम का। मैं बता चुका हूँ पहले भी कि जून या जुलाई में पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हो सकता है लोग जून में भी एडजस्ट कर दें, बट जुलाई दिख रहा है मैक्सिमम। जब आप कैलेंडर खुद फॉलो करेंगे अपने अकॉर्डिंग, अभी कैलेंडर नहीं है ऑफिशियल, तो जैसे आप सोचेंगे दो दो एग्ज़ाम होंगे और ये मान के चले अप्रैल में एक ही एग्ज़ाम है, तो इस हिसाब से वीडियो एग्ज़ाम जुलाई तक ऑटोमेटिक पहुँच जा रहा है, ठीक है। वीडियो एग्ज़ाम आपका जुलाई तक पहुंच जाएगा। और लेखपाल एग्ज़ाम की बात करें तो इसका एग्ज़ाम डेट नहीं आया हुआ था, बस जैसे क्या था, इंटरनली कंफर्म हो चुका था कि जैसे ANM जो है 6 फरवरी को हो रहा है, वैसे लेखपाल एग्ज़ाम 27 फरवरी को होने वाला था, बट उसका ऑफिशियल नोटिस पब्लिक नहीं किया था। मैं बताया भी था लोग करा नहीं पाएंगे, क्योंकि आगे इलेक्शन है, कोविड का भी बहाना है, बहुत सारे रीज़न है, तो लोग टाल देंगे। तो वही चीज़ हुआ, वहाँ भी आप देखे ही हमेशा की तरह, तो ANM का भी टाल दिया गया, 6 फरवरी को होने से नहीं हुआ। लेखपाल का 27 फरवरी को होने वाला था एग्ज़ाम डेट, लोग देने वाले थे बट नहीं दिए, देने से पहले ही रोक दिए, आचार संहिता वगैरह लगे सब कुछ रुक गया। तो यहाँ पे इसलिए इसका भी लोग उम्मीद बना रहे हैं कि इसका भी एग्ज़ाम होने वाला था, नोटिस आने वाला, हो सकता है इसको भी पहले करा दिया जाए ANM के साथ साथ। तो ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे कहीं अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि ANM का तो मई में हो जाएगा, बट लेखपाल का कहीं से भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी आप जान रहे लेखपाल का कट ऑफ आना बाकी है। पहले PET कट ऑफ उसका रिलीज़ किया जाएगा, उसके बाद उसका एडमिट कार्ड रिलीज़ किया, एडमिट कार्ड से पहले लोग पेमेंट, मतलब एडमिट कार्ड के ही लिंक पे लोग पेमेंट लेंगे, तब जा करके कहीं एग्ज़ाम होगा। तो लेखपाल का एग्ज़ाम फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि अगस्त से पहले तो नहीं होने वाले, इसके बारे में आपसे लगातार कह रहा हूँ, चाहे लोग कुछ भी कर लें। और बीच में आप देख रहे हैं कोविड के भी रीज़न आने वाले हैं, बहुत पहले बोले तो 22 जून से इंडिया में कोविड एंट्री कर लेगा और अगस्त में अपने पीक पर चला जाएगा। तो कोविड की वजह से आप देख सकते हैं कितने एग्ज़ाम्स जो हैं रोक दिए गए, यानी कैंडिडेट्स कितने बर्बाद हो गए, बेरोजगार कितने बर्बाद हो गए, चाहे रेलवे की बात कर लें, चाहे बैंकिंग की बात कर लें, SSC की बात कर लें, या फिर आपकी UP SSC की बात कर लें, या फिर UPSC की बात कर लें, UPPSC की बात कर लें, हर जगह के एग्ज़ाम्स रोक दिए गए केवल कोविड की वजह से, बट इलेक्शन नहीं रुके।
तो आप समझ लीजिए फ्रेंड्स, मतलब इन लोगों का प्रेफरेंस क्या है, हमारे देश के नेताओं का, मंत्रियों का प्रेफरेंस क्या है। लोग इलेक्शन नहीं रोके कोविड की वजह से, लेकिन क्या है, आपके एग्जाम्स रुक दिए और फिर से कोविड का एक बार हल्ला स्टार्ट हो गया क्योंकि इलेक्शन ओवर हो चुका है। तो देखिए ये सब एग्जाम इस डेट पर ही फॉलो हो पाते नहीं हो पाते अभी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि फ्यूचर की बात है। मैं हमेशा कहता हूँ फ्यूचर की बात है, मैं 100% कभी नहीं बोल सकता हूँ, 99% कह सकता हूँ, क्योंकि फ्यूचर है, कोई नहीं जानता है कब आगे क्या होने वाला है। अगर कोविड का बहाना नहीं मिलता है तो इस हिसाब से लोग एग्ज़ाम करा सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम रिजल्ट वगैरह की बात कर ले तो दो रिजल्ट्स आने वाले हैं, एक रिजल्ट इसी महीने आ जाएगा जो कंप्यूटर ऑपरेटर का होने वाला है, और एक रिजल्ट जो आपका है जूनियर स्टेट 2016 फाइनल रिजल्ट होने वाला है जो आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दो रिजल्ट इधर आने वाले हैं, इसके अलावा भी कुछ रिजल्ट्स रुके हुए हैं, ठीक है, जिनके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है कि वो कब तक आएंगे कि कब तक नहीं आएंगे, बट दो रिजल्ट जो है आने वाले हैं 10 अप्रैल के अंदर, ये दोनों रिजल्ट आ जाएंगे और 10 अप्रैल तक आपका कैलेंडर भी आ जाएगा, जिससे आपके सारे एग्जाम डेट भी ऑटोमेटिकली कन्फर्म हो जाएंगे। और आपको मालूम 12 अप्रैल तक वैसे भी कोई एग्जाम नहीं करा सकते, इसके बारे में ऐसे लगातार कही रहा था, यही कारण है कि जे एग्जाम 3 से 16 अप्रैल हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो आप लोग कट ऑफ को लेकर के परेशान है, तो मैं कई बार बता चुका हूं फ्रेंड्स, कट ऑफ जो है 15 गुना बुलाने की बात की गई शुरू में कई बार, तो अगर इस रूल को फॉलो किया जाता है तो कट ऑफ जो है 90% से ऊपर रहने वाले यूआर के लिए, मैं कई बार बताया हूं, ठीक है। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो 88% के ऊपर रहेगा, मतलब 88% भी आप सेफ अपने आपको मान सकते हैं, और अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो 85% मान लीजिए, एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप 82% मान लीजिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस एडीएफएफ 80% मान लीजिए, और फीमेल का भी मैं बता दूं वो 87 या 88 हो सकता है, क्योंकि वो भी नॉर्मली ओबीसी के बराबर रहता है, कभी कभी थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो इतने परसेंटाइल रहने वाले, इससे कम पे आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बाकी आप लोग कहेंगे मैं लेखपाल क्लास स्टार्ट करवा दूंगा, मैं पहले स्टार्ट किया था 2 साल पहले, लेकिन देखा अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग का नहीं मिला तो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैं ही आप लोग को बता दिया था फ्रेंड्स कि 2021 जून से पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं है लेखपाल का, और यही कारण था आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पढ़ाई में, तो मैंने भी क्लास लेना छोड़ दिया। फिर अब नोटिफिकेशन आ चुका है तो अब आप लोग कहेंगे मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा फिर से, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मैंने पिछले बार कैसे प्रिपरेशन किया था, मैं कैसे लेखपाल एग्जाम क्वालिफाई किया था, मैं कैसे लेखपाल सब कुछ मैं बताऊंगा वहां पे, उसमें कई बार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूं पिछले वीडियोस में, आप मेरे पिछले क्लासेस वीडियो देखेंगे तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा वैसे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग कहेंगे मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, जिससे आप लोग को थोड़ा सा हेल्प मिल सके कि हाँ कैसे लेखपाल एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं और किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, किस पार्ट का कितना वेटेज है, किसे मतलब कितना टाइम देना चाहिए, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, सब कुछ मतलब कि जानने की आपको जरूरत है, जहां पे मैं हेल्प करने का प्रयास करूंगा और दूसरे एग्जाम के साथ कैसे मैनेज कर सके, क्योंकि इसका सिलेबस जो है थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ग्रामीण परिवेश आ जाता है जिससे थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहते हैं इसका प्रिपरेशन हम कैसे करें, क्योंकि साथ साथ दूसरे एग्जाम्स भी, अभी वीडियो का एग्जाम आने वाला है, रेलवे के एग्जाम्स होने वाले हैं, ऐसे कई एग्जाम्स आप लोग के हैं जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो गए हैं कि इतना सारा एग्जाम एक साथ होने जा रहा है, किसी का डेट कंफर्म नहीं हो पा रहा है, बट ये उम्मीद होगा होगा होगा, तो किसका प्रिपरेशन पहले करें, किसका प्रिपरेशन बाद में करें, कैसे सबको एक साथ मैनेज करें, बहुत सारे कंफ्यूजन आपके मन में चल रहे हैं। तो मैं कुछ कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास करूंगा अगर क्लासेस स्टार्ट करता हूं तो, आप लोग कमेंट में बताइए मुझे क्लासेस स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोग बताते हैं, अगर आप लोग का डिमांड है कि क्लासेस स्टार्ट किया जाए तो मैं क्लासेस जरूर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। डेली कम से कम एक क्लास लूंगा, ठीक है। ग्रामीण परिवेश का फिर किसी सब्जेक्ट जो आप चाहेंगे उसका ले लूंगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, और हाँ फ्रेंड्स जो लोग चैनल पर नया विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं इतनी बार मेरी बातें सही निकल चुकी है, जो जो मैं बोला बिल्कुल वही होता गया है, तो अब तो सब्सक्राइब कर लो आप लोग, ठीक है। अब मेरे लिए क्योंकि अभी तक मैं बोला था अपने सब्सक्राइब करो, बाद में नहीं हो गाली देना, हो जाएगा तो फिर कोई बात नहीं है, तो हो चुका मेरी बात सब सही निकल चुकी है, एक बार सब्सक्राइब कर लो परमानेंटली, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी सारी बातें सही निकल चुकी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।